क्या होता है जब एक शादीशुदा कपल और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बीच एक बिलियनेयर आ जाता है? क्या पैसों से सब खरीदा जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देती है इंडिसेंट प्रपोजल 1993 की ये मूवी इसी के नाम के नॉवल पर बेस्ड है। ये कहानी है डेविड और डायना की। इन्हें हाई स्कूल में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब डायना 19 साल की थी तो डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उन दोनों के पेरेंट्स शादी के खिलाफ थे, फिर भी दोनों ने शादी कर ली। उनके शादी को अब 7 साल हो चुके हैं। डेविड एक आर्किटेक्ट है और डायना एक रियल एस्टेट एजेंट है। उनका काम अच्छा चल रहा था, मगर 90s में रिसेशन के वजह से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस बंद पड़ चुके थे। डेविड की नौकरी चली गई और ना ही डायना कोई प्रॉपर्टी बेच पाई। डेविड डायना के लिए एक घर बनाना चाहता है। कंस्ट्रक्शन का बेसिक काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, मगर अब जब रिसेशन के वजह से उनका कोई इनकम सोर्स नहीं रहा तो उन्होंने वो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो $50,000 का लोन लिया था, उस लोन को रिपे करने के लिए वो घर बेचना पड़ा। अब उनके पास कोई सेविंग्स नहीं बची है। उनके रोज़ के खर्चे निकालने के लिए भी डेविड को उसके फादर से $5,000 उधार लेना पड़ता है, मगर ये भी कोई सोल्यूशन नहीं था। ये पैसे भी जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। एक रात डेविड को एक अच्छा आइडिया आता है पैसे कमाने का। वो लॉस वेगस के किसी कैसीनो में जाकर जुआ खेलना चाहता है। उस रात डेविड और डायना लॉस वेगस के कैसीनो में उनकी किस्मत आजमाते हैं। इधर डेविड जुआ खेल रहा था तब डायना उस कैसीनो के शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। वहाँ उसे एक ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद आता है, पर वो उसे केवल देख ही सकती है। ये बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ मॉल में घूमते हुए डायना कुछ चॉकलेट्स चुराती है। उसे ऐसा करते हुए एक कैसीनो में जुआ खेलने आया आदमी देख लेता है। बाद में जब डायना उस ड्रेस को ट्राई कर रही थी तब वो आदमी उसके लिए वो ड्रेस खरीदने का ऑफर देता है, मगर डायना मना करती है। वो कहती है हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, और वहाँ से चली जाती है। जब वो उसके पति डेविड के पास जाती है तो पता चलता है कि डेविड लगभग $9,000 जीत चुका है। वो और ज़्यादा बेट लगाते हैं। हर बार लक के लिए डायना पासे को किस करती है। जब वो घर आए तो उनके पास $25,000 कैश थे। डेविड और डायना तय करते हैं कि वो कल फिर उनकी किस्मत आजमाएंगे, मगर शायद वो ये बात भूल गए थे कि कैसीनो अगर किसी को मिलियनेयर बना सकता है तो पल भर में उसे गरीब भी बना सकता है। और ऐसा ही होता है। आज किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। वो सारा जीता हुआ पैसा हार जाते हैं। डेविड के पिता ने जो उसे $5,000 दिए थे उसमें भी अब $900 कम है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब आखिरी बाजी खेलेंगे, आखिरी बार किस्मत आजमाएंगे, मगर ये आखिरी बाजी भी घाटे का सौदा साबित हुआ। शायद आज उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वो बस वहाँ से लौट ही रहे थे कि देखते हैं एक टेबल पर काफ़ी भीड़ है। वहाँ देख रहा एक आदमी कहता है कि टेबल पर बैठा शख्स मशहूर अरबपति जॉन गेज है। पोकर खेलते हुए वो अब तक $1,000,000 हार चुका है, मगर उसके चेहरे पर जरा सी शिकन भी नहीं है। डायना ने पहले भी जॉन गेज को देखा था। ये वही आदमी है जिसने उसे ड्रेस खरीदने का ऑफर दिया था। जब जॉन की नज़र डायना पर पड़ी तो वो डेविड से कहता है कि क्या वो उसके वाइफ को थोड़ी देर के लिए उधार दे सकता है, सिर्फ उसका लक आजमाने के लिए। इस पर डेविड को कोई एतराज़ नहीं होता और वो डायना को जॉन के साथ बैठने की परमिशन देता है। इस बार जॉन गेज रॉलेट नाम के गेम पर पूरे $1,000,000 लगाता है। जीतने के लिए उसे पासे में 7 नंबर लाना होगा। डायना पासा फेंकती है और 7 नंबर ही आता है। चुटकियों में जॉन गेज ने $1,000,000 के कई मिलियन डॉलर्स बना लिए। फिर वो डायना और डेविड को उसके साथ एक 5-स्टार होटल में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जॉन इस जीत को उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो डायना के लिए वही ड्रेस तोहफे में भिजवाता है जिसे वो कल देख रही थी। रात में जब वो लोग 8-ball पूल खेल रहे थे तब डेविड कहता है कि उसे भी एक बिलियनेयर बनना है। इस पर जॉन कहता है कि भले ही वो एक बिलियनेयर है पर इसके बावजूद उसके पास सब कुछ नहीं है। उसके पास वो चीज़ नहीं है जो डेविड के पास है। वो उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर डायना उसके साथ एक रात बिताने के लिए राजी हो जाए तो वो उन्हें $1,000,000 देगा। डेविड और डायना उसका इरादा समझते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, प्यार और इमोशन को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। हालांकि डेविड और डायना को पैसों की सख्त ज़रूरत है और $1,000,000 से उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मगर इसके बाद भी वो उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं। डेविड और डायना को उस रात नींद नहीं आई। डायना कहती है कि वो जॉन गेज के पास जाने के लिए रेडी है। ये केवल एक रात की ही तो बात है और आखिर में वो प्यार तो उसी से करती है।
वैसे भी शादी के पहले तो उन्होंने बहुत लोगों को डेट किया है, ये भी वैसा ही है। डेविड भी इस बात से राजी है, मगर इस इंडिसेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले वो उसके लॉयर से बात करना चाहता है। लॉयर उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है ताकि अगर जॉन पैसा देने से मुकर जाए तो उस पर कोर्ट में केस कर सके। इसके बाद डायना एक रात के लिए जॉन गेज के पास चली जाती है, मगर अचानक डेविड का मन बदल जाता है और वह भागते भागते वापस होटल के कमरे में चला जाता है, मगर वो वहाँ नहीं थी। पता चलता है कि डायना जॉन के साथ कहीं जा रही है। वो उन्हें रोकने के लिए ऊपर भी जाता है, मगर अब तक देर हो गई थी। जॉन डायना को लेकर उसके क्रूज पर ले गया है। वहाँ जॉन ने डायना को एक और मौका दिया और टॉस किया, कहा कि अगर तुम जीती तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे। डायना ने भी अपने आप को टॉस के हवाले कर दिया। इसके बाद जॉन ने सिक्का उछाला और वो जीत गया। इस तरह डायना ने आज की रात जॉन के साथ बिताई। डायना अगली सुबह लौटती है, मगर अब डेविड और डायना के बीच सब कुछ बदल चुका है। $1 मिलियन तो उन्हें मिल गए, लेकिन अब डेविड और डायना में पहले जैसे रिलेशन नहीं है। डेविड हमेशा जानना चाहता है कि क्या उस रात डायना ने जॉन के साथ को एंजॉय किया था। हालांकि उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। डेविड को ये शक है कि डायना अभी भी जॉन से मिलती है। एक दिन वो डायना का पर्स चेक करता है तो उसे वहाँ जॉन गेज का विजिटिंग कार्ड मिला। डेविड इस बात से अपसेट है क्योंकि इससे उसका शक और बढ़ जाता है कि डायना अब भी जॉन से मिल रही है। हालांकि डायना नहीं जानती कि ये विजिटिंग कार्ड उसके पर्स में कैसे आया। वो उस रात के बाद जॉन से कभी नहीं मिली। जब वो उनके हाफ कंस्ट्रक्टेड घर को खरीदने गए तो पता चला कि बैंक ने उस घर को किसी और को बेच दिया है। डायना उस शख्स का पता लगाना चाहती है जिसने उनके घर को खरीदा है। उसे लगता है कि घर के वापस खरीदने पर हो सकता है कि शायद उनका रिश्ता पहले जैसा हो। पता चलता है कि उनके घर को जॉन गेज ने ही खरीदा है। ऐसा लगता है कि शायद वो उनके पीछे ही पड़ा हो। इधर दिन ब दिन डेविड और डायना के बीच रिलेशन खराब होते जा रहे थे। अब तो डायना किसी भी हाल में उस घर को वापस पाना चाहती है। ये घर ही है जो उनके रिलेशन को वापस से ठीक कर सकता है, इसलिए वो जॉन से मिलने जाती है ताकि उससे ये घर वापस ले सके। जॉन उसके होटल में एक मीटिंग में है। वहाँ पहुँच कर डायना तमाशा खड़ा कर देती है। जॉन उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है कि उसका इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था। उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो घर तो एक बिजनेस डील थी। वो घर उसे वापस करने को तैयार है, मगर दुगने कीमत पर। वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर भी देता है, मगर वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती, उससे नफरत करती है। घर आकर वो डेविड को बताती है कि वो जॉन से मिलने गई थी, उनका ये घर उसी ने खरीदा है। डेविड उसका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। उसे लगने लगा है कि डायना जॉन को पसंद करने लगी है। वो खुद को जॉन से कम समझने लगा है, इसलिए जलन से भर जाता है और उनमें बहस हो जाती है। वो रिलेशन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से उनका रिलेशन खत्म होने की कगार पर है। वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। एक दिन जब डायना उसके ऑफिस में थी तो जॉन उससे मिलने वहां आता है। दरअसल वो घर खरीदने के बहाने उसके साथ वक्त गुजारने आया है। डायना जॉन को प्रॉपर्टी नहीं दिखाना चाहती थी, मगर बॉस के कहने पर उसे जॉन को प्रॉपर्टी दिखाने जाना पड़ा। यहाँ जॉन ने उसे प्रपोज किया और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन डायना कहती है कि जहाँ से उसने रिलेशन की शुरुआत की वहाँ से आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अब वो उसके साथ कंफर्टेबल होने लगी थी, मगर उसे मना करती है क्योंकि वो खुद को जॉन की एक ट्रॉफी समझती है जिसे वो जीतना चाहता है। डायना अपने आप को बिजी रखने के लिए आजकल वो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही है। एक दिन उस स्कूल में जॉन गेज उसे मिलने आकर क्लास में बैठ जाता है। क्लास में हर किसी को बोलने का मौका मिलता है। जब जॉन को मौका मिला तो वो सबके सामने उससे प्यार का इजहार करता है। पूरा क्लास इस बात पर उसे चीयर करने लगता है। इसके बाद जॉन उसे इंसिस्ट करके उसके घर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे 30 साल पहले का किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि उसने 30 साल पहले ट्रेन में एक लड़की को देखा था। उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, मगर तब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे प्रपोज कर सके। बाद में वो कई दिनों तक उसी ट्रेन में सफ़र करता रहा, इसी उम्मीद में कि एक बार फिर से उस लड़की से मुलाकात होगी, मगर नहीं हुई। वो ये गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता। 30 साल बाद उसे फिर से प्यार हुआ है। ये एक इमोशनल मूवमेंट है। दोनों में नज़दीकी बढ़ने लगी। इसके बाद डायना काफ़ी समय जॉन के साथ गुजारती है। उधर डेविड अपने घर में बैठकर केवल डायना के साथ बिताए हुए पल याद करके इमोशनल होता है। वो उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं जब वो हाई स्कूल में थे, मगर वक्त सब कुछ बदल कर रख देता है। जिसके मन में कभी डेविड के लिए प्यार था, अब उसमें केवल कड़वाहट बची है।
डेविड पूरी तरह से गम में डूब चुका है। एक दिन नशे में वो डायना और जॉन को उसके होटल के बाहर मिलता है। डेविड जॉन पर उसकी लाइफ बर्बाद करने का आरोप लगाता है और नशे में उसे मारने की कोशिश करता है, मगर ये काम भी वो ठीक से नहीं कर पाता। वो इतना ज़्यादा नशे में था कि वही ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद जॉन का ड्राइवर उसे घर छोड़ देता है। अब डेविड डायना को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। उनका रिश्ता लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अब डेविड एक आर्किटेक्चर कॉलेज में लेक्चरर का जॉब करता है। यहाँ कम पैसे मिलते हैं पर उसका काम चल जाता है। एक दिन उसका लॉयर उसे मिलने आया है। दरअसल डायना ने उसे डिवोर्स के पेपर्स भेजे हैं और उसकी एक शर्त है कि अगर वो किसी तरह का तमाशा ना करते हुए चुपचाप पेपर्स पर साइन करता है तो पूरे $1,000,000 खुद रख सकता है। डेविड अब डायना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता और ना ही वो उन पैसों को रखना चाहता है जो उसे उसके वाइफ का सौदा करने की याद दिलाता है। इसके बाद डेविड जाता है एक चैरिटी इवेंट में जहाँ डायना और जॉन मौजूद है। यहाँ पर एनिमल सेल हो रहे थे और उससे जो पैसे आएंगे वो सब एनिमल के केयर के लिए जाएंगे। यहाँ पर आकर डेविड $1,000,000 डोनेट कर देता है। वो थोड़े समय के लिए डायना से बात करता है और दुखी होकर डिवोर्स पर साइन करता है। वो कहता है कि वो लॉस वेगस में लिए गए उसके फैसले पर हमेशा पछताएगा। जॉन गेज डायना की आंखों में डेविड के लिए प्यार देख सकता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा प्यार डायना से कभी हासिल नहीं होगा। अब जॉन को लगता है कि उसने डेविड और डायना को अलग करके बहुत गलत किया है। जब जॉन और डायना उस इवेंट से वापस जा रहे थे तब जॉन उसे एक झूठी कहानी सुनाता है। कहता है उसने अब तक उसे पाने के लिए जो भी किया वो एक सिर्फ गेम था। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। ऐसा करने का रीज़न ये था कि उसे रियलाइज़ होता है कि वो डेविड और डायना का रिलेशन ख़त्म करके कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए उसे डेविड के पास जाने के लिए फ्री छोड़ देता है। तब डायना उस गाड़ी से उतरकर उसी जगह जाती है जहां डेविड ने उसे 7 साल पहले प्रपोज किया था। यहां डेविड पहले से मौजूद है और उसकी किस्मत पर रो रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डायना उसके पास वापस आएगी। मूवी के शुरुआत में ही बड़ी अच्छी लाइन कही गई थी कि अगर तुम किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहते हो तो उसे फ्री छोड़ दो। अगर वो चीज़ तुम्हारे पास वापस आ गई तो वो तुम्हारी ही थी। अगर वो चीज़ वापस ना आई तो इसका मतलब वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। डायना अब वापस आ चुकी है तो वो उसकी ही थी और अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।